Assalamu alaikum. Due to the coronavirus, we are all locked down in our homes. Or aise mein most of the people are working from home. Or brick and mortar business jo hai wo work nahi kar pa rahe. E-commerce or online business is something that still runs. Aur hum uske bare mein thoda samjhenge ki are they running in the same efficiency that they ever were? Ya ab uske andar bhi kuch farak ya impact pada hai. So we have Hamza AbdulRauf with us, co-founder Telemark, and let's ask him how is his business doing. Ji Hamza, kindly bataiye. So, sabse pehle walaikum salam aur thank you for having me on this video. Economies globally, jitni bhi badi se badi superpowers bhi hain, wo bhi impact hui hain. To Pakistan to phir ek chota mulk hai, ek developing country hai. Aur brick and mortar, wholesale businesses, offline businesses completely ruk gaye hain, kyunki unka sara jo depend karta hai business model, wo depend karta hai customers ke locations ke upar aane se aur unke bahar nikalne se, interaction se. तो जब लॉकडाउन हो गया है कम्प्लीटली तो ऑफलाइन बिजनेसेस ने बहुत ज्यादा बुरी तरह सफर किया है. जहां तक बात है ई कॉमर्स की और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भी, वो भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट हुए हैं बहुत ज्यादा. क्यों? क्योंकि एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जस्ट लाइक टेलीमार्ट जो बाकी मार्केट प्लेसेस भी होती हैं, उनका जो बिजनेस मॉडल होता है वो डिपेंड करता है वेंडर्स के नेटवर्क के ऊपर, जिसको सेलर्स भी कहा जाता है. तो वो सारे सेलर्स और वेंडर्स जो हमारे हैं, उसमें से 99% हमारे सेलर्स जो हैं वो ऑब्वियसली इस लॉकडाउन की वजह से बंद हैं. चाहे वो उनके वेयर हाउसेज हों, चाहे वो उनकी ऑफिस हों, चाहे वो उनकी रिटेल लोकेशन हों, वो कम्प्लीटली शट डाउन के अंदर हैं इस वक्त. अब हम उन वेंडर्स के प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर सकते जो बंद हैं, जो ऑपरेशन नहीं है लॉकडाउन की वजह से. अलबत्ता टेलीमार्ट जो है वो एसेंशियल्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है इस वक्त कि हम उन प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहे हैं जो या तो हमारे वेयर हाउसेज में मौजूद हैं, या तो वो प्रोडक्ट्स जो उन वेंडर्स की हैं जो इस वक्त ऑपरेशनल हैं. जैसे कि हमारे काफी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ हमारी अरेंजमेंट्स हैं, काफी एसेंशियल आइटम्स हेल्थ केयर आइटम्स की जो कंपनीज हैं जिनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो चूंकि ऑपरेशनल है और उनको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है कि वो अभी इस लॉकडाउन के दौरान भी काम कर सकते हैं, इसलिए उनकी प्रोडक्ट रेंज को टेलीमार्ट ने अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले भी किया हुआ है और उसको हम लोग डिलीवर भी कर रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन. द अदर पार्ट व्हिच हैज बीन हर्ट फॉर अस ड्यू टू दिस ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना वायरस, वो लॉजिस्टिक्स भी है. तो जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, जो हमारे 3PL पार्टनर्स हैं जिनके थ्रू हम डिलीवरीज करवाते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, उनकी भी जाहिर सी बात है एफिशिएंसी के अंदर जो है वो थोड़ा सा एक नेगेटिव इंपैक्ट आया है ड्यू टू द कंस्ट्रेंट दैट दे हैव राइट नाउ. तो डिलीवरी भी जो पहले ओवरनाइट होती थी उसमें भी टाइम अब एक्सटेंड हो गया है, लेकिन ये भी शुक्र की बात है कि डिलीवर हो रही हैं चीजें इस लॉकडाउन के दौरान. तो इसलिए हमारी कोशिश अभी फिलहाल यही है कि अब ज्यादा से ज्यादा उन ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकें जो एसेंशियल आइटम्स के हैं, जिसकी लोगों को जरूरत है, और जो है वो इस लॉकडाउन के अंदर भी लोगों को एक सहूलत दें ताकि वो कम से कम घरों से बाहर निकल सके. जाहिर सी बात है कि हमारे कुछ ना कुछ क्वार्टरली गोल्स, हर बिजनेस के कुछ ना कुछ क्वार्टरली गोल्स, एनुअल गोल्स होते हैं. सो हाउ डू यू सी देम गेटिंग अफेक्टेड? देखिये, ई कॉमर्स के लिए फॉर्चुनेटली आप कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें कि पूरी दुनिया में जहां पे ये पैंडेमिक आया, चाइना भी है, चाइना में रिकवर भी हो गई है काफी हद तक चीजें, तो वहां पे भी जो है ई कॉमर्स एक सडन स्पाइक देख रहा है इस पैंडेमिक से रिकवर करने के बाद या इसको कंट्रोल में लाने के बाद. सिमिलरली पाकिस्तान में भी हमने जो ऑब्जर्व किया है लॉकडाउन के दौरान, ये जो 8 दिन का लॉकडाउन हो चुका है मेरे ख्याल से, आज 9th डे है, तो हमारे भी जहां जहां ट्रैफिक कस्टमर्स हमसे इंगेज करते हैं, चाहे वो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हो, या चाहे वो हमारी वेबसाइट हो, चाहे वो हमारे ऐप के डाउनलोड्स हो या एक्टिव यूजर्स हो, वहां पे एक बहुत जो है वो एक्सट्रीम स्पाइक आया है कि कस्टमर्स की एंगेजमेंट, कस्टमर का ट्रैफिक और कस्टमर की जो एक्टिविटी है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है. क्योंकि अब जाहिर सी बात है लोग घरों के अंदर सेल्फ आइसोलेशन कर रहे हैं, तो वो इम्पल्स बाइंग भी कर रहे हैं, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को विजिट भी कर रहे हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग भी ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं. तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो लोग प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं, हमें करंटली भी दिखा है पॉजिटिव इफेक्ट. लेकिन अभी मसला सिर्फ एक ये है कि हम हर प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर पा रहे लॉकडाउन, तो हमारे पास ऑर्डर्स का फ्लो जो है वो बिल्डअप भी हो रहा है, पेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं, और लॉकडाउन फिर जब खत्म होता है तो फिर वो एक साथ इतने सारे ऑर्डर्स और पार्सल्स जो है वो मूव कर रहे होंगे. एक लाइफस्टाइल चेंज है जो हमेशा के लिए शायद ये कोरोना वायरस छोड़ के जाएगा लोगों को, फिर कि लोग अब 8-10 महीने तक एक दूसरे से जो है वो मुसाफा नहीं करेंगे, सलाम नहीं करेंगे दूसरे साथ, और ऐसी लोकेशन पे जाने से परहेज करेंगे जो पब्लिक स्पेसेस हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा कम प्रॉक्सिमिटी के अंदर लोगों से इंटरेक्शन हो रही है. तो एक रिटेल का जो ऑफलाइन मॉडल है वो शायद 6-8 महीने तक, जब तक इसकी क्योर जो है वो इन्वेंट नहीं होती है, तब तक ऑफलाइन के अंदर एक कस्टमर की रेजिस्टेंस होगी, एक हिचकिचाहट होगी, जिसकी वजह से
ई-कॉमर्स जो है और डिजिटल पेमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा उसकी ग्रोथ जो है वो फ्यूल हो रही होगी। तो हम उसको एज अ क्वार्टरली अगर आप बात करें तो लॉकडाउन के दौरान तो जाहिर सी बात है चीजें इम्पैक्ट हुई हैं, वॉल्यूम्स गिरे हैं, ऑर्डर्स गिरे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के रिज्यूम होने के बाद जो है वो चीजें काफी बेहतर नजर आ रही है। दैट्स रियली गुड टू नो दैट देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और थोड़ा सा ये बताइए कि जो मैं अपने हिसाब से सोच रहा था कि इफ आई डू ब्रिंग समथिंग, मैं ई कॉमर्स के जरिए कुछ मंगवाता हूँ अपने पास, तो हाउ कैन आई बी श्योर कि जो राइडर मेरे पास आ रहा है वो तो उस वायरस को अपने साथ लेके नहीं आ रहा। देखिए इसमें क्या होता है कि टेलीमार्ट की चूंकि अपनी कोई कोरियर सर्विसेज नहीं है तो वी रिलाय ऑन 3PL कंपनीज एंड ऑल द बिग वंस, राइट। तो वो सारी कंपनीज जो है उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं अपनी फ्लीट की सेफ्टी के लिए, पार्सल की सेफ्टी के लिए और कस्टमर की सेफ्टी के लिए। तो उनके जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं होली सोली, क्योंकि वो बड़े इदारे हैं, वो बड़ी कंपनीज हैं, तो उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा ये चीजें जो है अप्लाई हो रही है। इसमें तो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी स्ट्रिक्ट एक्शन है और काफी स्ट्रिक्ट जो है वो ऑर्डर्स भी हैं। तो इसलिए हम लोग खुश हैं कि हमारे जो कोरियर पार्टनर्स हैं वो इस तमाम तरह एहतियात वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि जो राइडर्स हैं उनका टेम्परेचर ले रहे हैं, उनके जो है वो ग्लव्स, वो राइडर्स प्रॉपर डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन रहे हैं, मास्क जो है वो पहन रहे हैं, जो पार्सल वो डिलीवर कर रहे हैं उसको डिसइंफेक्टेंट अप्लाई करके कस्टमर को हैंड ओवर कर रहे हैं। तो वो हमारे जो कोरियर कंपनीज है माशाल्लाह जिनके साथ टेलीमार्ट के कॉन्ट्रैक्ट और जो हमारे डिलीवरीज कर रही है इस लॉकडाउन के अंदर भी, वो प्रॉपर इन सारे प्रोटोकॉल्स को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर रहे हैं। So from the few users who are still buying from your website, क्या आप उनको कोई डिस्काउंट वगैरह ऑफर कर रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर? हम पहले दिन से अगर किसी चीज को लेकर बड़े फर्म हैं, वो बिलीफ हमारा यही है कि कस्टमर सिट्स एट द कोर ऑफ आवर बिजनेस। कि हम कोई भी चीज डिसाइड करते हैं, कोई भी जो है वो एक्सपेंशन करते हैं, कोई भी बिजनेस मॉडल के अंदर ट्वीकिंग करते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें वी मेक श्योर कि वो कस्टमर के अराउंड डिजाइन की जाए जिसमें कस्टमर बेनिफिट करे। तो इसलिए हमने इस मौके पर भी कोई कस्टमर्स को कोई प्रीमियम पास ऑन नहीं किए, कोई जो है वो ब्लैकमेल कस्टमर्स को नहीं किया है। और आप अभी भी मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो इत्तेफाक की बात यह है कि हमारी पाकिस्तान डे सेल जो है वो 21 मार्च से लाइव हुई है, तो और ये लॉकडाउन भी जो है उसके आसपास ही स्टार्ट हुआ है। तो हमने अपनी वेबसाइट की सारी प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी अपनी पाकिस्तान डे सेल के लिए जो है वो हमने कम कर दी थी, जिसमें अगर आप आज भी जाते हैं हमारे मोबाइल फोन की कैटेगरी भी देखते हैं, हमारी एक्सेसरीज की कैटेगरीज को देखते हैं, हमारी बाकी फैशन प्रोडक्ट्स को देखते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा बॉटम प्राइसिंग इस वक्त हमने प्रैक्टिस की हुई है, क्योंकि हमारी सेल आ रही थी और सेल हमारी चलनी थी 27th तक। तो हमारी सेल तो हमने एंड कर दी 27th को, लेकिन हमने प्राइसेस अभी तक नॉर्मलाइज नहीं किया और उसको सेल वाली प्राइसेस पे ही रहने दिया है, क्योंकि वी अंडरस्टैंड राइट नाउ के लोगों को हमें ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पास ऑन करना है ना, उसको कैश आउट गलत तरीके से नहीं करना, और डिलीवरी चार्जेस भी जो थ्रू आउट द ईयर हम लेते रहे हैं वही अभी भी है। और अगर हमें कहीं से प्रीमियम पास ऑन हो भी रहा है तो हम कस्टमर तक वो प्रीमियम ना जाने। जिसकी एक मिसाल ये है कि अगर आप एक मास्क लेने या ग्लव्स लेने मार्केट में भी कोई कस्टमर जा रहा है तो उसको 150 रुपए के ग्लव्स मिल रहे हैं, 100 रुपए के ग्लव्स मिल रहे हैं, 100 रुपए का मास्क मिल रहा है, 150 रुपए का मास्क मिल रहा है, सैनिटाइजर जो है वो 250-250, 300-300, 400-400 रुपए के मिल रहे हैं और अक्सर तो मिल नहीं रहे कहीं पे भी। अगर मिल रहे हैं लोग 3-4 दुकानों पर जाते हैं तो शायद एक दुकान के ऊपर मिलता है, तो वो इस प्राइसेस पे मिल रहे हैं। हमने एक कोरोना वायरस सेफ्टी पैक अपनी वेबसाइट पे भी लाइव किया है, उसमें जो है हमने मास्क की प्राइस भी 35 रुपीज रखी है, हमने जो है ग्लव्स है उसकी प्राइस भी 39 रुपीज रखी है, जो सैनिटाइजर है 150 ml का एक रजिस्टर्ड सर्टिफाइड फार्मास्यूटिकल कंपनी का उसको हमने 165 रुपीज का अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट किया है। तो हमारे पास काफी वेंडर्स आए, काफी लोगों ने अप्रोच किया जो कि हम कहते हैं मौसमी थे, कि उन्होंने देखा यार सैनिटाइजर की मार्केट बूम कर रही है तो अपने घर में बैठ के सैनिटाइजर बना लिया, एक ट्रांसपेरेंसी बॉटल के ले आया कि यार इसको वेबसाइट पे लगा दे। लेकिन जाहिर सी बात है हम क्वालिटी को देखकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं कि हम कस्टमर्स को ब्लैकमेल ना करें, कोई ऐसी चीज ना दें कि वो कल को हमारे पास आए या कोई मसला है। तो इसलिए हमें जब तक सप्लाई चेन हमारी स्ट्रांग नहीं हुई, हमें कोई ऐसा सप्लायर नहीं मिला जो सर्टिफाइड ओरिजिनल किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट ना लेकर आया हो, तो हमने तब तक उसको लाइव नहीं किया था अपने पोर्टल के ऊपर। कि लोग दवाइयां बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर ऑर्डर कर रहे हैं, रूटीन में हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं उससे 3 या 4 गुना ज्यादा जो है हमने जो है वो ग्रोथ देखी अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऑर्डर के अंदर। तो वो एक अगेन एरिया है जिसपे हमने मेक श्योर किया है कि प्राइसेस जो ऑल ईयर राउंड टेलीमार्ट प्रैक्टिस करता है उससे बेहतर हो जाए, लेकिन उससे महंगी ना जाए किसी भी सिचुएशन। तो क्या टेलीमार्ट की सर्विसेज, टेलीमार्ट के प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड हैं या सिर्फ कराची की हद तक महदूद है? टेलीमार्ट ऑब्वियसली हम लोग पैन पाकिस्तान ऑपरेट करते हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट में है वो हम अक्रॉस पाकिस्तान डिलीवर कर रहे होते हैं जहां जहां तक कोरियर की रसाई होती है। लेकिन जो हमारा लॉकडाउन का पीरियड है इस वक्त, उसमें जो हम प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं उसका हमने एक सेपरेट पेज बना दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो एक्सप्रेस डिलीवरी के नाम से हमने एक कैटेगरी पेज बनाया कि हमारी वेबसाइट पर लोगों को दिख भी जाएगा। वहां पर हमने वो सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हुए हैं जो टेलीमार्ट इस लॉकडाउन के दौरान डिलीवर कर रहा है अक्रॉस पाकिस्तान।
और उन प्रोडक्ट्स के साथ एक एक्सप्रेस का टैग भी लगा हुआ रहा है ताकि कस्टमर्स के लिए भी आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि क्योंकि एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, कंसर्न है कस्टमर्स के लिए भी कि क्या, पहली कंसर्न तो ये है कि क्या टेलीमार्ट डिलीवर कर भी रहा है या नहीं। तो जब वो उनको ये कंसर्न इनकी अगर सेटिस्फाई होती भी है कि टेलीमार्ट डिलीवर कर रहा है तो अगला सवाल ये आता है कि कौन से प्रोडक्ट्स, तो इसलिए हमने उसको आसान रखने के लिए, क्लियर रखने के लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड पेज बना दिया जहाँ पे अगर कस्टमर जाता है उसको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स नजर आते हैं जो हम इस लॉकडाउन के दौरान डिलीवर कर रहे हैं। सच अ ब्रिलियंट मूव बाय मर्ज़ा पे, और कस्टमर्स के लिए आपने बहुत ही जिंदगी आसान कर दी। मेरे जैसे लोग जो कि वाकई 14 दिनों से आइसोलेशन के अंदर बैठे हुए और घर से बाहर नहीं निकल रहे, आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो, दवा चाहिए हो, मास्क चाहिए हो, सैनिटाइजर चाहिए हो, आप टेलीमार्ट के पेज पे चाहिए, द लिंक विल बी इन द कॉमेंट सेक्शन, और आप वहां से ऑर्डर कीजिए। इंस्टेड के आप बाहर जाएं, इट इज अ ग्रेटर रिस्क कि आप वायरस अपने साथ लेकर आ रहे हो, उससे बेहतर ये है कि आप उनसे प्रोडक्ट मंगवाइए। अ सिंगल पर्सन विल बी ब्रिंगिंग इट, और फिर आप उस किट को वो खुद भी साफ सुथरी होकर आ रही है जैसा कि हमजा ने बताया। ये प्लीज ध्यान रखिए, ये एक दफा आ गया तो ये आराम से जाने वाली चीज नहीं है, और इट कैन अफेक्ट अस ऑल, इट कैन अफेक्ट एनीवन हु कम्स इनटू योर कॉन्टेक्ट। सो प्लीज स्टे होम, मेंटेन योर आइसोलेशन, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।